हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में स्थित है एक अनोखा अद्भुत मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर। ये मंदिर माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ की चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर की ज्योति हजारों सालों से बिना बुझे जल रही है। माँ ज्वाला देवी मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ माँ भवानी किसी मूर्ति के रूप में ना होकर साक्षात ज्योति के रूप में विराजमान है। कथाओं के मुताबिक सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए और माँ सती की लाश को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे, जिससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। शिवजी को भारमुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। 51 टुकड़ों में बटा माँ सती के शरीर का हर हिस्सा जहाँ जहाँ गिरा वो सभी शक्तिपीठ कहलाए। ज्वाला देवी मंदिर वो शक्तिपीठ है जहाँ माँ सती की जीभ गिरी थी। हजारों साल पुराने इस मंदिर में 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, जो कि 9 देवियों यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विद्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी को दर्शाती है। इस मंदिर में नवदुर्गा के रूप में 9 ज्योतियां बिना किसी घी तेल बाती की मदद से हजारों सालों से जल रही है। ये अखंड ज्योति कब से जल रही है इसका किसी को भी नहीं पता, और इसके पीछे का कारण क्या है ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया। कई वैज्ञानिक यहाँ पर आए और मंदिर की ज्वाला के पीछे के राज को जानने की कोशिश करी, पर सब खाली हाथ ही वापस गए। कुछ भूवैज्ञानिकों ने कहा कि मंदिर के नीचे एक शांत ज्वालामुखी है जिससे निकलने वाली नेचुरल गैस से मंदिर की ज्योति जल रही है, और इस बात को साबित करने के लिए 70 के दशक में एक फॉरेन कंपनी को बुलाया गया। उन्होंने मंदिर और उसके आसपास की जगह पर कुछ साल तक काम किया, लेकिन उनको भी कोई नेचुरल गैस नहीं मिली। मुगल सम्राट अकबर ने भी एक बार इस मंदिर की ज्योति को बुझाने की कोशिश की थी। उसने कभी ज्योति को ढककर तो कभी पानी से बुझाना चाहा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। अपनी इस कोशिश के बाद अकबर ने मंदिर की महानता को मानते हुए मंदिर को सोने का छत्र दान में दिया था। अब कुछ लोग इस ज्योति को चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग मात्र एक अंधविश्वास। विज्ञान से ऊपर भी कुछ शक्तियां हैं जो हमारी समझ के परे हैं, और इसीलिए कहते हैं कि जहां विज्ञान की सोच का दायरा खत्म होता है वहां आध्यात्मिकता का शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।